गाइस वेलकम टू द राउंडर ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मेवाड़ के एक ऐसे मंदिर में जो कि मेवाड़ के राजा कहलाते हैं और उस मंदिर का नाम है एकलिंग जी। तो मिलते हैं आपको ब्लॉग में। ये पीछे मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रहा है गाइस, बहुत बेहतर मौसम हो रहा है। तो इस सुहाने से मौसम में हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर और हमारी मंजिल वो मेवाड़ का एकलिंग जी का मंदिर। तो धीरे धीरे करके हम अपना सफ़र तय करते हैं और उसी बीच मेरे इन भाइयों को लगता है कि हमारी बाइक इनसे तेज़ चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी बीच रास्ते में चलते चलते सलमान भाई की ओला में एक ऐसा गाना चला जिससे जयेश भाई और हर्षू भाई के हाथ ही नहीं रुके। फिर कॉपीराइट के डर से हमने वो गाना बंद करवा दिया। फिर सलमान भाई ने जो इस गाड़ी को ऐसा भगाया कि मौसम ही बदल दिया। अब राह चलते हार्दिक भाई हमसे पूछते हैं कि गाड़ियाँ कहाँ लगानी हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे रोज आते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ियाँ कहाँ लगानी है? और फिर ऐसे ही हम लोग गाड़ियाँ लगा के निकलते हैं मंदिर की ओर और ये है मंदिर का वो द्वार। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। तो ये एकलिंग जी का मंदिर है, महादेव का, मेवाड़ के राजा उनका मंदिर है ये। और ये पीछे ये मार्केट और ये प्यारा मौसम। और ये हर्षू भाई क्या लेने जा रहे हैं? और ऐसे ही चलते चलते मुझे एक आइडिया आता है, तो मैं इन अंकल के पीछे छुप के अपना फोन निकालता हूँ और फिर वीडियो शूट करना शुरू करता हूँ। तो जैसे ही मैं वीडियो शूट कर रहा था तो वहाँ से मुझे एक गार्ड ने देखा और फिर भी मैं डरा नहीं, आगे बढ़ता गया। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो उस गार्ड ने मेरा फ़ोन छीन लिया। गाइस तो ये है वो एकलिंग जी की प्रतिमा जो कि चार मुखी है और इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करीब 1500 साल पहले करवाया था। और यह मंदिर एक छोटे से गांव कैलाशपुरी में स्थित है जो कि उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर है। बारिश आ रही है बहुत भयंकर वाली और ये मौसम हो रखा है ऊपर।
हमारी गाड़ियां पक रही है। नहीं, ये बारिश आ रही है और ये काले बादल। तो यहाँ हम रुके हैं, चाय वाय पियेंगे। और ये NS8 ढाबा है। और ये भाई लोग सर, और ये NS8 ढाबा। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और हम घर नहीं जा पाएंगे। ये देख सकते हो, और ये हमारी गाड़ियां यहाँ खड़ी है। और ये बारिश देखो आप, और ये आवाज आ रही है यहाँ से। बहुत भारी भारी संख्या में बारिश आ रही है, बहुत भारी संख्या में। ओले पड़ रहे हैं, ओले। क्या यार, ठंडी हो रही है सबकी यार। दिखाना फोटो। ओ ये बारिश, और ये बारिश वापिस तेज हो चुकी है। फाइनली बारिश बंद हो चुकी है और अब निकलेंगे अपने रूम की तरफ, जहाँ हमने रूम ले रखा है। तो प्रस्थान करेंगे यहाँ से, मिलते हैं वापिस आपको रूम के वहाँ पे। और तो हमारी गाड़ियाँ चालू हो चुकी है और वापिस रवानगी कर रहे हैं। खड्डा है पीछे, खड्डा है। बाबा खड्डा होसी कैसे जासी। ने वो दो गाड़ी पीछे आ रही है, अब निकलेंगे वापिस अपने रूम की तरफ। ये सारी रोडे पानी पानी हो रखी है, इतनी भयंकर बारिश आई है यहाँ पे। बबाक बारिश, बबाक भयंकर, बबाक बारिश। और ये भाई लोग एक भाई और आ रहे हैं पीछे। वो ये देखो, ऐसा पानी भर गया रोडों पे। हाँ हाँ, बबाक पानी, बबाक। और ये एक भाई और आ गए पीछे। यार बहुत ही प्यारा रिसोर्ट है, और ओरा गोल्ड रिसोर्ट, दो रिसोर्ट बने हुए, बहुत ही प्यारे। और NS8 हाईवे पे हम चल रहे हैं, और ये ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि इतनी भयंकर बारिश हुई है और ये मौसम बहुत सुहाना है। का खाना आ गया है, स्पेशल दाल बाटी और प्याज
और ये प्रज्वल बाबा और ये जय जी भाई साहब तो अभी अभी गुड मॉर्निंग हुई है और ये प्रज्वल बाबा अपना फोन चला रहे हैं और मैं अभी अभी उठा हूँ। रात को थोड़ा लेट सोए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही थी, तो इसी वजह से खाना भी लेट खाया और सोए भी रात को लेट। और ये मौसम ऐसा हो रहा है अभी बाहर, और ये जयेश जी क्या कर रहे हैं देखो। गुड मॉर्निंग फैम, बाटी जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।